रूपानी कुकिंग विद रूपानी में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर आज डिसाइड किया कि हम बारबेक्यू करेंगे, तो चले आए आपको बारबेक्यू का सारा प्रोसेस दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमने अंगीठी में कोयले डाल के अब कोयले इसको गर्म करना शुरू कर दिए है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोयले सारे जल जाएंगे, तो फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोयले जो हैं वो रेडी हो गए हैं, आग उन्होंने पकड़ ली है, बारबेक्यू के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। उसके साथ ही मैंने बीफ को मसाला लगा के रात से मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर दो चुटकी डाला है और बिहारी तिक्का मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और नींबू लगा के इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। और अभी कोई 15 मिनट पहले मैंने इसके अंदर 3 चम्मच दही डाल के और पपाया पाउडर मैंने डाल के इसको टेंडराइज करने के लिए रख दिया है। तो अब बस 10-15 मिनट हम और लेंगे और उसके बाद हम इसके टिक्के बनाना बारबेक्यू करना इसको शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, हम 4 से 5 जो गोश्त के पीसेज हैं वो हम एक एक स्लाब पे लगाएंगे, फिर देखेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एक एक दो दो और लगा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस स्लाब जो है वो रेडी कर रहे हैं और उसके ऊपर 4 से 5 जो है वो गोश्त की बूटियाँ लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बारबेक्यू अंडर प्रोसेस है। गोश्त हम उन्होंने सलाखों पे लगा के इसके ऊपर रख दिया है, कोयले अच्छे तरीके से चल रहे हैं और ये देखें कलर बूटियों ने चेंज करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारा टिक्के तैयार हो जाएंगे, जब फाइनल हो जाएंगे तो फिर हम आपको साथ दिखाते भी हैं। व्यूअर्स, जब आपका जो टिक्के हैं वो एक साइड से तैयार हो जाएं तो आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा ब्रश पे घी लगाना है और उसको यूं यूं करके हल्का हल्का घी भी साथ साथ लगाना है ताकि आपके टिक्के खुश्क ना रह जाएं। ये अब हमारे एक एक साइड से तैयार हो गए हैं, दूसरी साइड से हम लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, व्यूअर्स हमारे जो फर्स्ट बारबेक्यू है वो रेडी हो गया है और अब मैं इसको उतारूंगा। बहुत मज़े के बने हैं, मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। अभी एक कोई ठंडा सा लेते हैं बीच में से जो पहले का तैयार हुआ हुआ है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, हमारे बारबेक्यू टिक्का जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं इनको उतार के एक हॉट पॉट में मैंने रख लिया था और अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में डालता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, हमारा बारबेक्यू टिक्का, बीफ बारबेक्यू टिक्का रेडी है। आप लोग भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और हम भी अभी इसको खाने लगे हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।